मैं बीना कुमारी, TGT हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ नीलकंठ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बच्चों, पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जानें। आपने नाम सुना है महादेवी वर्मा का? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रमुख कवित्री हैं। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं निहार, दीपशिखा, रश्मि, निर्जा, यामा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र आदि। इन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे पद्मभूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती इत्यादि। बच्चों, आपने पशु पक्षी को पाला है कभी? बहुत लोग अपने घर में पालते हैं ना, देखा होगा आपने या पाला भी होगा। कोई तोता पालता है, कोई कबूतर पालता है, कोई कोई अपने घर में खरगोश भी रखते हैं। कुत्ते तो बहुत लोग पालते हैं और बिल्लियों को भी पालते हैं ना। और पालते हैं तो देखा होगा उन पशु पक्षियों से क्या होता है, एक विशेष लगाव हो जाता है। और पशु पक्षी भी क्या करते हैं, हम मनुष्यों से अच्छा लगाव बना लेते हैं, प्यार करते हैं, हमारी बहुत सी भाव भंगिमा को भी समझते हैं। और देखेंगे जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना अपनत्व, अपना प्यार, अपना स्नेह आपके प्रति समर्पित करेंगे। करते हैं ना, देखा होगा ना, जिन लोगों ने पाला होगा उनके घर में वो उन्होंने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो इसी तरह महादेवी वर्मा को भी पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। जब वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या थी तो वहाँ पर उन्होंने अनेक पशु पक्षियों को पाल रखा था। इन्होंने अपनी अनेक कहानियाँ पशु पक्षियों को लेकर लिखी है, जैसे सोना, गिल्लू, गौरा इत्यादि। इन्होंने एक बार एक छोटे से हिरण के बच्चे को पाला था। बड़े होने पर उसका रूप बड़ा सुंदर था, महादेवी ने उसका नाम सोना रखा। तो सोना पाठ में उन्होंने एक हिरनी की कथा का वर्णन किया है। लेखिका को एक दिन उनके घर के बरामदे में गमले के पास एक छोटे से गिलहरी के बच्चा मिला और लेखिका ने उसे भी पाला। तो उन्होंने गिल्लू नामक एक कहानी लिखी जिसमें गिलहरी के बच्चे की कहानी है। और फिर उन्होंने एक बार एक गाय पाली जिसका नाम गौरा रखा था उन्होंने। तो गौरा में गाय पालन से संबंधित कहानी है। अब बच्चों, हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं नीलकंठ, वह महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। आप जानते हैं रेखा चित्र किसे कहते हैं? पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कहानी लिखी जाती है, निबंध लिखा जाता है, यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है ना। तो उसी तरह से रेखा चित्र भी हिंदी गद्य साहित्य की, गद्य की एक प्रमुख विधा है। क्या है रेखा चित्र? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी सजीव चित्रण रेखा चित्र कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से
ऐसा चित्रण जो सजीव हो या जिसे पढ़कर उस व्यक्ति या वस्तु का चित्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। तो आइए अब चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ शब्द पहले भी सुना है? अभी हम लोग नीलकंठ शब्द जो कहानी रेखा चित्र पढ़ने जा रहे हैं, वो नीलकंठ एक मोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक मोर का नाम नीलकंठ था जिसे महादेवी वर्मा ने पाला था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नीलकंठ क्या कभी पहले सुना है, तो नीलकंठ का अगर दूसरा अर्थ हम लें तो बच्चों, नीलकंठ अर्थात उसे अगर अलग अलग करेंगे तो नीलाकंठ। नीलाकंठ शब्द का प्रयोग हम और किसके लिए करते हैं जानते हैं? भगवान शिव को भी हम नीलकंठ कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग मोर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। एक दिन महादेवी वर्मा अपने किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि रास्ते में उन्हें चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया। उनके आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी उसी ओर घुमा दी। दुकान पर गाड़ी के रुकने से पहले ही चिड़िया वाले बड़े मियाँ ड्राइवर को इशारे से रुकने को कहने लगे। लेखिका को सलाम कर उन्होंने बताया कि शंकरगढ़ का कोई शिकारी दो मोर के बच्चे दे गया है, जिसमें एक मोर है और दूसरी मोरनी। मोर के पंजों से दवा बनती है, इसलिए बहुत से लोग उसे खरीदने आए थे, परंतु लेखिका का नाम लेकर बड़े मियाँ ने उन्हें बेचने से मना कर दिया। लेखिका जानती थी कि बड़े मियाँ की बातें जल्दी बंद नहीं होती, अर्थात बड़े मियाँ जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही जाते हैं। क्यों बोलते हैं? दुकानदारों की विशेषता होती है ना बच्चों, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो बड़े मियाँ भी बोलते जा रहे थे, अतः लेखिका ने क्या किया, उन्होंने मोर के बच्चों के 35 रुपए देकर जल्दी से उनसे पीछा छुड़ाया और पिंजरा लेकर गाड़ी में बैठ गईं। कार में पिंजरा रखते ही दोनों पक्षी सावक छटपटाने लगे और उनकी हलचल से पिंजरा मानो सजीव हो उठा और उड़ने योग्य हो गया। यानी ऐसा लगा कि अब पिंजरा उड़ जाएगा, वे इतना छटपटा रहे थे उसमें, क्योंकि दोनों पक्षी सावक डर गए थे इसलिए वो छटपटाने लगे। छटपटाने से पिंजरा हिलने डुलने लगा, ऐसा लगा वे पिंजरा लेकर ही उड़ जाएंगे। घर पहुंचने पर जिसने भी इन सावकों को देखा, सबने कहा कि लेखिका ठगी गई हैं, ये मोर के नहीं तीतर के बच्चे हैं। यह सुनकर लेखिका चिढ़ गईं। उन्होंने पिंजरा अपने अध्ययन कक्ष में रखवा लिया। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही दोनों निकलकर कमरे में ही कहीं खो गए, अर्थात इधर उधर जाकर छुप गए। लेखिका ने उनके लिए कटोरे में सत्तू की गोलियां और पानी रखा। दोनों बच्चे मेज के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे लुकते छिपते रहे। दिन भर इधर उधर छुपे रहकर रात में वे रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। यानी महादेवी वर्मा के पास रद्दी कागज को फेंकने की जो टोकरी थी उसमें आकर वे रात्रि में विश्राम करते। एक दो दिन में उनका डर खत्म हो गया तो वह पूरे कमरे का चक्कर लगाने लगे। उनके कारण लेखिका को कमरे के दरवाजे सदा बंद रखने पड़ते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी पालतू बिल्ली चित्रा उन पक्षी सावकों को अपना शिकार न बना ले। लेखिका ने एक बिल्ली भी वहाँ पाल रखा था,
इसलिए बिल्ली के डर से वो अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखती। मोर के बच्चों के कारण जब लेखिका का कमरा गंदा होने लगा तो उन्होंने उसे एक बड़े जाले घर में पहुंचा दिया, जहां उनके अन्य पालतू पशु रहते थे। मोर के बच्चों के वहां पहुंचते ही हलचल सी मच गई। कबूतर, खरगोश और तोते कौतूहल से भर कर उसे देखने लगे। उन्होंने उन नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया जैसे परिवार में किसी नववधु का होता है। जब नई नई बहू घर में आती है तो लोग क्या करते हैं, आसपास उसके इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें गौर से देखते हैं, उनसे कई तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही दृश्य उत्पन्न हो गया। सभी जाली घर के जानवर क्या हुए, मोर मोरनी के आसपास इकट्ठे हो गए और उनका निरीक्षण करने लगे, उन्हें देखने लग गए। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर के सिर की कलगी बड़ी घनी और चमकीली हो गई, चोंच टेढ़ी और बंकिम हो गई तथा गोल आँखों में नीली आभा चमकने लगी। नीली गर्दन पर धूप छाही तरंगे उठती गिरती प्रतीत होती थीं। लंबी पूंछ और पंखों में इंद्रधनुषी रंग झलकने लगा। बच्चों, ये जो वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही रेखा चित्र है। महादेवी ने जैसे वर्णन किया है कि उसकी चोंच ऐसी हो गई, गर्दन लंबी हो गई, नीली गर्दन थी, आँखों में नीली आभा झलकने लगी, यानी मोर की जो आँखें होती हैं बीच में जो पुतली उसकी होती है गोल गोल, नीला रंग उसमें से चमकता रहता है और उसके पंख क्या होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं ना, देखा है ना आपने, कहाँ देखा है, घर में तो नहीं पाल सकते इसे क्योंकि मोर एक जगह बंद होकर नहीं रहेगा, तो इसे चिड़ियाघर में हम लोगों ने देखा है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। मोर के रूप के साथ उसकी भाव भंगिमा भी मनमोहक थी, यानी कि उसका देखना, उसका चलना, उसका नाचना, यह सब भी क्या था, उसके रंग रूप के अनुसार ही बड़ा सुंदर था। मोरनी का विकास तो उसकी तरह चमत्कारिक नहीं हुआ, यानी मोर की तरह चमत्कारिक नहीं हुआ, लेकिन लंबी धूप छाहे गर्दन, चंचल कलगी और पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा उसे मोर की उपयुक्त संगनी प्रमाणित कर रही थी। देखा है बच्चों आपने मोरनी को, देखा है ना, कहते भी है ना मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, कहते हैं ना लोग, लोगों में यह उक्ति प्रचलित है, बोलते रहते हैं। तो वैसे ही मोर का विकास जो हुआ वह चमत्कारिक था, सुंदर था। मोरनी उसके अनुसार नहीं थी लेकिन वह भी सुंदर थी। लेखिका ने नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम रखा नीलकंठ और सदा उसके आगे पीछे घूमते रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया राधा। लेखिका कहती हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कार बस मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति कब नियुक्त कर लिया। यानी मोर क्या करता था, जब जाली घर में रहता था तो सभी जितने भी वहाँ पे जीव जंतु थे ना, जैसे खरगोश थे, तोता था, कबूतर था, सबका वो क्या करता था, देखभाल करता था, यानी सबको वो अपनी तरह से एक सेनापति की भांति उनका अगुवाई करता। वह सबको लेकर सुबह ही उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बिखेरा जाता था। वह घूम घूम कर सबकी रखवाली करता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता था। कैसे दंडित करता था, क्या करता, वह चूँच से खरगोश के बच्चों का कान पकड़कर उसे हवा में उठा लेता और तब तक लटकाए रहता जब तक वे आर्त क्रंदन ना करने लग जाते, यानी कि खूब
गहरी व्यथा से दुख से रोने नहीं लग जाते तब तक वह उन्हें हवा में लटकाए रखता। उसके भय से फिर कोई जीव उसे नाराज करने का साहस नहीं करते। मोर का उन जीवों के प्रति प्रेम भी असाधारण था, यानी वह उनसे प्रेम भी बहुत करता था, लगाव भी बहुत रखता था, केवल दंड नहीं देता था, उनसे स्नेह भी रखता था। जब वह मिट्टी पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता तो सब उसकी लंबी घनी पूंछ पर भाग दौड़ करते, यानी उसके पंख के नीचे छुपते और छुआ छुआ वल सा खेल खेलते, पंख के एक साइड से घुसकर दूसरी तरफ निकल जाते। इस तरह से वे उसके पास रहकर खेला करते। एक दिन न जाने कैसे एक सांप जाली घर के अंदर पहुंच गया और उसने एक शिशु खरगोश को अपने मुंह में दबा लिया। खरगोश की चींची को दूर झूले पर सो रहे नीलकंठ ने सुना। वह एक झटके में नीचे पहुंच गया और चोंच से मार मार कर उसने सांप को अधमरा कर दिया। खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ से छूट तो गया पर वहीं बेसुध पड़ा रहा। बेचारा छोटा था, खरगोश वैसे भी बहुत कोमल होते हैं, तो वह क्या हुआ, डर से सहमा हुआ सा वहीं जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। इस बीच राधा ने अपनी मंद केका से सबको इस असामान्य घटना से अवगत करा दिया। यानी राधा क्या करने लगी, वह बोल बोल कर सबको बताने लगी कि यहाँ कुछ अनहोनी हो गई है। वहाँ सबके पहुँचने तक नीलकंठ सांप के टुकड़े कर चुका था। रात भर वह घायल खरगोश को अपने पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, यानी उसे एक तरह से सहारा देता रहा। उष्णता का अर्थ जानते हैं, गर्मी। लेखिका कहती हैं कि मोर के रूप और स्वभाव को देखकर यह समझ आ जाता है कि कार्तिकेय ने उसे अपने वाहन के रूप में क्यों चुना होगा। मोर एक वीर पक्षी है परंतु हिंसक नहीं है, वह कलाप्रिय भी है। बसंत के आगमन पर मेघों की सांवली छाया में वह अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर क्या करता है, नाचने लग जाता है। राधा उसके समान नृत्य नहीं कर पाती थी परंतु उसकी गतिविधियों में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। लेखिका बताती हैं कि नीलकंठ ने न जाने कैसे जान लिया कि उसका नृत्य लेखिका को बहुत भाता है। वह अक्सर लेखिका के जाली घर के पास पहुंचते ही अपना नृत्य प्रारंभ कर देता था। अतिथियों के आगमन पर भी उसका नृत्य शुरू हो जाता। लेखिका के यहाँ हमेशा कोई ना कोई विदेशी अतिथि आते रहते थे और कभी कभी तो कुछ विदेशी महिलाएं जब वहाँ पहुँचती तो मोर क्या करता, अपनी मुद्राओं को वैसे ही बनाकर यानी कि अपने पंख फैलाकर खड़ा हो जाता। ये महिलाएं मुद्राओं को अपने प्रति सम्मान भाव समझकर उन लोगों ने क्या किया, नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, यानी उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट जेंटलमैन है। एक दिन किसी कारणवश लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजरी तो उन्होंने फिर से गाड़ी रोक ली। किसने, बड़े मियाँ ने। उनके पास एक मोरनी थी जिसके पंजे टूटे हुए थे। चिरी मार की ये हरकत थी, लेखिका ने 7 रुपए में उसे खरीद लिया। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी कुब्जा ही सिद्ध हुआ। नीलकंठ और राधा को
वह जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख तोड़ डाले। नीलकंठ उससे दूर भागता था, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। राधा ने इसी बीच अंडे दिए, जिसे वह अपने पंखों के नीचे छुपाए रखती थी। कुब्जा ने क्या किया कि राधा को धक्का दे दिया और उसने क्या किया, उसके अंडे तोड़ फोड़ डाले। किसी अन्य जीव से भी कुब्जा की कोई मित्रता नहीं थी। उसके कारण राधा और नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार नीलकंठ जाली घर से निकलकर भाग जाता और भागकर वृक्षों की शाखाओं में चुपचाप छुपकर बैठा रहता। बाद में लेखिका को पुचकार कर उसे नीचे उतारना पड़ता। उसकी चाल में भी थकावट आ गई थी और आँखों में शून्यता रहती थी। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, यानी सभी पक्षियों में, कुब्जा में, राधा में, नीलकंठ में दोस्ती हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। ना तो उसे कोई बीमारी हुई थी, ना ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी साल में लपेटकर संगम में बहा दिया। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। उसे आशा थी कि पहले की ही तरह वह लौटकर फिर आ जाएगा, लेकिन कुब्जा शांत नहीं रही। कुब्जा ने कोलाहल के साथ उसे ढूंढना आरंभ कर दिया। एक दिन आम की शाखा से उतरते ही लेखिका की अल्सेशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई। स्वभाववश कुब्जा ने चोंच से उस पर प्रहार किया तो कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए, परिणामतः उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों पक्षियों की विभिन्न प्रकृति लेखिका के लिए विशेष महत्व रखती थी। राधा सदा नीलकंठ के इंतजार में रहती थी। आषाढ़ में मेघों के छाते ही वह केका कर नीलकंठ को पुकारने लगती। नीलकंठ उसकी यादों में सदैव उसके साथ रहा। बच्चों, लेखिका ने इस रेखा चित्र के माध्यम से पक्षियों के विभिन्न प्रकृति का यानी स्वभाव का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इसके माध्यम से परिवार में होने वाले ईर्ष्या और उसके दुष्परिणामों का भी चित्रण किया है। प्रेम भाव से रहने वाले परिवार की खूबियों को भी इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो कि संतोषप्रद है। धन्यवाद।